नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार विधानसभा चुनाव में महिला कर्मचारियों की होगी तैनाती। कोविड-19 के माहौल के बीच बिहार में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव में महिला कर्मचारियों की तैनाती करवाई जाएगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने फैसला जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इस बार बूथ पर कई तरह के बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, जिसके तहत मतदान केंद्र में महिला कर्मचारियों की तैनाती अब तक हुए चुनाव में नहीं देखी गई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में बूथों पर महिला कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। कोविड-19 के माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव में क्योंकि इस बार बूथों की संख्या बढ़ाई गई है, ऐसे में ज्यादा लोगों की जरूरत होगी और यही कारण है कि मतदान केंद्रों पर महिला कर्मियों की भी नियुक्ति की जाएगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिलाधिकारी को इसको लेकर निर्देश दे दिया है। बिहार में आज से शुरू हुई बस की सेवाएं, कोविड-19 के बीच बस की सेवाएं को शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में राज्य में जारी अनलॉक 3 के क्रम में सार्वजनिक परिवहन, ऑटो टैक्सी और कैब को छोड़कर बसों का परिचालन करवाया जा रहा है। इसके साथ ही बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहनों का परिचालन भी एक सीट पर एक व्यक्ति के नियम के तहत किया जाएगा। साथ ही इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और बस ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं सभी बस चालकों को नियमों का पालन भी करना होगा, जिसके तहत प्रतिदिन धुलवाने, साफ सुथरा रखने, समय समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंचने पर सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित कराने, साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर को साफ कपड़े, मास्क, ग्लव्स पहनाना अनिवार्य होगा। वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 के बचाव और उपाय के लिए पोस्टर, स्टिकर लगवाने और जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराए गए पैम्पलेट को यात्रियों में वितरण करवाने का आदेश भी दिया गया है। साथ ही इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में STET को लेकर जारी किया गया बड़ा फैसला। बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पुनः परीक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत परीक्षा को लेकर 25 अगस्त से प्रवेश पत्र निर्गत करने की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। पहले 25 अगस्त से ही प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना दी गई थी, लेकिन अब उस दिन से एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनः परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसके लिए 9 सितंबर से 21 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। बिहार बोर्ड ने कहा है कि STET 2019 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना है और जो कि प्रवेश पत्र जारी करने की तारीख घोषित कर दी गई है। हालांकि बिहार बोर्ड ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि जिन निर्धारित कार्यक्रम के समय पर ही परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके तहत अब सभी छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से ही STET की परीक्षा देनी होगी। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट हुई जारी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बीते दिन जारी कर दी गई है। इसके तहत सुशांत सिंह राजपूत को पोस्टमार्टम 14 जून की रात को किया गया था और 15 जून को कूपर अस्पताल के 5 डॉक्टरों ने रिपोर्ट मुंबई पुलिस के हवाले की थी। 7 पेज की इस रिपोर्ट में उनकी जान गंवाने के समय को हालांकि स्पष्ट रूप से पेश नहीं किया गया था, साथ ही कई अहम बातों का भी जिक्र नहीं था। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी 15 जून की रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए थे, जिसके बाद अस्पताल और मुंबई पुलिस पर शक और ज्यादा गहराने लगा था। वहीं अब एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि उस वक्त उनका पोस्टमार्टम हुआ जिसमें 10 से 12 घंटे पहले उनकी जान चली गई थी। सुशांत का पोस्टमार्टम 14 जून की रात 11 से 12:30 के बीच हुआ था। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने फिलहाल यह साफ नहीं किया है कि 15 जून की रिपोर्ट में समय का जिक्र क्यों नहीं किया गया था। सभी बूथों की वोटिंग से एक दिन पहले किया जाएगा सैनिटाइज। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है, जिसी बीच हिंदी भवन में जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में करवाए गए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो चुका है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों को पंचायत के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों के मतदान केंद्रों को नगर निकाय के माध्यम से सैनिटाइज करने की व्यवस्था शुरू करवाई जाएगी। मतदान से एक दिन पहले सभी बूथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। इसके लिए BDO और कार्यपालक पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने वाहनों का आकलन करना, साथ ही प्रत्येक बूथ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पंक्ति बनाने संबंधी तैयारी करने, चुनाव कार्य में संलग्न कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मतदान केंद्र तक पहुंचने की समुचित व्यवस्था करने और सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर एक सेल के गठन करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग में बिहार के 12 जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की जताई संभावना। पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 27 अगस्त तक 12 जिलों में बारिश और बिजली गिरने के आसार बने रहे हैं। फिर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना के अलावा गया, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, सिवान, छपरा, गोपालगंज समेत कुल 14 जिलों में 27 अगस्त तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र का झुकाव वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार पर
बनने के कारण बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 137 सहायक प्रोफेसर की होगी बहाली। 137 सहायक प्रोफेसर की बहाली जल्द ही बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में करवाई जानी है, जिसमें सिविल के 120 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 17 पद पर प्रोफेसरों की पद स्थापना करवाई जाएगी। इस बाबत बीपीएससी ने सोमवार को सूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन की मांग की गई है। निबंधन 25 अगस्त से 11 सितंबर तक करने का फैसला सुनाया गया है। ऑनलाइन शुल्क 16 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी 30 सितंबर तक मिल जानी चाहिए, जिसकी पूरी जानकारी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। वहां जाकर सभी अभ्यर्थी पद से जुड़ी सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही मिडिल स्कूल में भी 8000 देकर टीचर के जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोलने वालों पर ध्यान नहीं देने की दी नसीहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को बीते दिन आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कुछ भी बोलने वाले कुछ भी बोलते रहेंगे, हम अपना काम करते हुए लोगों की सेवा करना जारी रखेंगे। सेवा करना ही हमारा धर्म होना चाहिए। युवा पीढ़ी के लोगों को यह पता होना चाहिए कि बिहार की स्थिति से निकलकर आज कहां तक पहुंचा है। साल 2005 तक बिहार में शिक्षा के लिए 4,366 करोड़ का बजट था, जो आज बढ़कर के 23,191 करोड़ पर कर दिया गया है। गरीब आज फिर से राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट का 20% खर्च किया जा रहा है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3,304 पंचायतों में 9वीं कक्षा की शुरुआत करते हुए उक्त बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्नयन बिहार की शिक्षा पद्धति को पूरे देश में स्वीकार किया गया है। कोविड-19 संक्रमण के कारण टीवी के माध्यम से छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। स्कूलों में वीडियो एवं कंटेंट के माध्यम से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था शिक्षा विभाग ने की है। हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम आज संभव हो पाया है। छात्रों को स्मार्ट क्लासरूम का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो छात्र छात्राओं को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन भी माफ किया जा सकता है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सोमवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3,304 पंचायतों में 9वीं कक्षा की पढ़ाई की औपचारिक शुरुआत करने के बाद संबोधन के दौरान यह बातें कही गई है। इस दौरान उन्होंने आगे कहा है कि राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना काफी सफल साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 4,000 करोड़ का लोन छात्र छात्राओं को आवंटित किया जा चुका है। छात्र छात्राओं को अब बस ठीक से पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि जरूरत हुई तो उनके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन भी माफ किए जा सकते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से विमान सेवाएं 25 अक्टूबर से हो सकती हैं शुरू। दरभंगा एयरपोर्ट से देश के 3 बड़े शहरों के लिए विमान सेवाएं जल्द शुरू हो सकती है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो 25 अक्टूबर से विमान सेवा शुरू होने की संभावना जताई गई है। स्पाइसजेट को दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली रूट पर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत विमान सेवाएं शुरू करने की इजाजत मुहैया करवा दी गई है, जिसके तहत पहला विमान दरभंगा एयरपोर्ट पर बेंगलुरु के लिए सुबह 11:15 पर पहुंचेगा, जो दरभंगा से 11:45 पर बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा। मुंबई दरभंगा विमान सेवा के तहत दिल्ली से उड़कर 12:10 पर दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेगी, वहीं 12:40 पर मुंबई के लिए दरभंगा से उड़ान भरेगा। सबसे अंत में दिल्ली से दरभंगा के लिए उड़ान उपलब्ध होगी, जिसमें दरभंगा से दिल्ली से शाम 3:55 पर विमान पहुंचेगा और यह 4:25 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। हालांकि अभी रनवे और परिसर में फिनिशिंग का काम बाकी है। एयरपोर्ट सूत्रों की माने तो 25 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल में इन विमानों को शामिल किया गया है, लेकिन उससे पहले निर्माण कार्य पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज सिद्धार्थ पिठानी से होगी पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम लगातार हर बिंदुओं पर तहकीकात करने में लगी हुई है। इसी क्रम में आज एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी की जांच के लिए सीबीआई की तरफ से बुलावा गया है। वहीं सिद्धार्थ के साथ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उन दो पुलिस अधिकारियों को भी बुलाया गया, जो सुशांत के गुजरने वाले दिन सबसे पहले उनके फ्लैट में पहुंचे थे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जल्द ही बड़ी जानकारी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। एम्स के डॉक्टर शुक्रवार को सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। वहीं 4 डॉक्टरों की टीम सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट को दोबारा से जांच कर रही है। इतना ही नहीं, कुक नीरज और हेल्पर दीपेश से भी पूछताछ लगातार जारी है। वहीं दूसरी टीम सुशांत के पूर्व सीए रजक मेवाती और अभी के सीए संदीप श्रीधर से पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की जल्द ही सीबीआई शुरू करेगी, जिसमें रिया सीबीआई के सवालों का जवाब देंगी। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सुरेश रैना ने किया ट्वीट। सुशांत सिंह राजपूत के गए हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर अभी भी उनके प्रशंसक और उनके करीबी इस बात से उबर नहीं पाए हैं। इसी क्रम में भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी सुरेश रैना ने भी बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए एक ट्वीट किया है। सुरेश रैना ने अपने ट्वीट में लिखा, भाई आप हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे, आपके प्रशंसक आपको बहुत याद करते हैं, मुझे हमारी सरकार और नेताओं पर पूरा भरोसा है जो आपको न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, आप एक सच्ची प्रेरणा है। इससे पहले भी सुरेश रैना ने सुशांत के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि अभी भी दुख है भाई, लेकिन सच सामने आएगा। इसके साथ ही सुरेश ने #justiceforsushantsinghrajput भी लिखा था। रैना का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर लंबे समय तक ट्रेंड भी कर रहा था। इसके साथ ही सुरेश रैना ने सच्चाई की जीत होने की भी उम्मीद जताई है। मोतिहारी के गरीब परिवारों के लिए मसीहा
बने सोनू सूद। कोविड 19 के इस माहौल में लाखों गरीब परिवारों के लिए मसीहा बनकर सोनू सूद सामने आए हैं। वहीं अब एक बार फिर से पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ प्रभावित एक और परिवार के लिए सोनू सूद ने बड़ा कदम उठाया है। मिली जानकारी के अनुसार बंजरिया प्रखंड के सिसवा पूर्वी पंचायत स्थित वार्ड नंबर 13 के रहने वाले शेख भोला पर इस साल बाढ़ कहर बनकर टूटी थी। शेख भोला के बेटे की जान बाढ़ में पानी डूबने की वजह से चली गई थी। इसके साथ ही भैंस को बचाने के दौरान भी भैंस की जान चली गई थी और भैंस भी नहीं बच पाई थी और पानी में डूबकर बेटे की जान भी चली गई थी। वहीं राजमिस्त्री का काम करने वाले शेख भोला का दाहिना हाथ भी काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था। अब उनसे कोई काम नहीं हो पाता। भोला की आय का स्रोत भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद हिम्मत करके शेख भोला ने जीविका चलाने के लिए कर्ज लेकर 60,000 में दूसरी भैंस खरीदी। जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी यह पूरी कहानी डाली तो यह फिल्म अभिनेता सोनू सूद तक पहुंच गई, जिसकी जानकारी मिलते ही सोनू सूद ने शेख भोला को भैंस खरीदने में लगे रुपए को देने का आश्वासन दिया है। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 31 लाख के पार। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 60,975 मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,67,324 पर पहुंच गई है, जिसमें 7,04,048 मामले सक्रिय हैं। वहीं इलाज में 24,04,585 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार 24 अगस्त तक 3,68,24,520 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसमें सिर्फ सोमवार को 9,50,383 सैंपल की जांच की गई है। बिहार के 6 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला। इस चुनावी साल में बिहार में तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में बीते दिन बिहार में 6 IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनका तबादला किया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिसके तहत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को नई जगह पर पदस्थापित किया जा रहा है, जिसके बाद प्राणतोष कुमार दास को DIG बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर के पद पर पदस्थापित किया गया। वहीं IPS मीना कुमारी को पुलिस अधीक्षक निगरानी विभाग के DPS सैफुर रहमान को SP निगरानी बनाया गया है। वहीं राजेश कुमार अपर पुलिस अधीक्षक निगरानी को, पुलिस अधीक्षक पंकज को पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय निरीक्षक कार्यालय मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं अशोक कुमार प्रसाद को पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के पद पर पदस्थापित किया गया है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर दिए गए लोन को माफ करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।